जब नबी अलैहि सलातो सलाम का विशाल हुआ ना, रूए मुबारक को छुपा लिया, पर्दा पड़ गया, तो लिखा है कि हजरत बिलाल ने ना उस रखते सफर बांध लिया, सामान बांध लिया। किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला को बताया कि मौज़न रसूल हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला मदीना छोड़ के जा रहे हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला हजरत बिलाल को रोकने के लिए आए। आपने आकर पूछा है बिलाल ना जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो हजरत बिलाल ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। आपने फरमाया सिद्दीक अगर तो अपने लिए खरीदा था तो रोक लें, मैं रुक जाऊंगा, तो अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए खरीदा था तो फिर ना रोकें, फिर मुझे जाने दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रो पड़े। आपने पूछा क्यों मदीना छोड़ रहे हो, क्यों नहीं रहना चाहते? तो फरमाने लगे ये वो मदीना है जिसकी गलियों में मैं हुजूर के साथ चला करता था। अब मदीना तो वही है, गलियां भी वही हैं, लेकिन अब हुजूर के बगैर बिलाल के लिए इन गलियों में चलना नामुमकिन है, इसलिए मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूं। चले गए थे मदीना छोड़। और फिर आगे बड़ा कमाल लिखा मुहद्दिसीन ने, सारी जिंदगी फिर उसके बाद हजरत बिलाल को कभी किसी ने सजा सवरा नहीं देखा, को बड़ा जनाब उमदा लिबास पहना हूं, नहीं कभी किसी ने उसके बाद हजरत बिलाल को मुस्कुराते नहीं देखा, कभी किसी ने हजरत बिलाल को सजे सवरे नहीं देखा बिल्कुल। हाँ एक दिन आया जिस दिन लोगों ने देखा कि हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला ने नया लिबास बेतन कर रखा है, जनाब दाढ़ी मुबारक में तेल भी लगा है, जनाब खुशी के आसार हैं चेहरे पर, लोगों ने देखा ही नहीं कभी हजरत बिलाल को इस रंग में। तो लोग इकट्ठे होकर आए कि पता नहीं आज कौन सा खुशी का मौका है कि हजरत बिलाल की खुशी छुपाए नहीं छुपती, चेहरे पर भी खुशी आ चुकी है, इतने खुश हैं हजरत बिलाल, आज दिन कौन सा है? तो सारे आकर अर्ज करते हैं ऐ मौज़न रसूल अलैहि सलातो सलाम, आज क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आपने फरमाया आज मेरी मौत का दिन है। लोग हैरान रह गए, वो अपनी मौत से भी कोई इतना खुश होता है? मौत तो वो है अगर बड़े बड़ों को पता चल जाए तो लोग अपना हाल छोड़ बैठते हैं, ये क्या रंग है कि हजरत बिलाल इतने खुश? तो पूछा है मौज़न रसूल मौत भी कोई इतना खुश? आपने फरमाया किसी का तो पता नहीं लेकिन मैं तो बड़ा खुश हूं। अर्ज की हुजूर वजह क्या है? आपने फरमाया ये मौत ही तो है जिसने महबूब से रोक रखा है, मरूंगा तो हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, तुम्हारे लिए तो गम है लेकिन मेरे लिए खुशी। और हजरत ये इश्क के रंग हैं। लिखा है कि जब नजा की कैफियत तारी हुई ना हजरत बिलाल पर, बड़ी सख्त कैफियत है, बहुत सख्त कैफियत है, उसके लिए तैयारी करो हजरत, अल्लाह से माफी मांगा।